हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी अभी बज रहे हैं 8। तो मेरा सुबह का सारा काम मैंने कर ली हूं। तो कल तो मेरा फास्ट था, तो सुबह सुबह उठकर ना मैंने सबसे पहले थोड़ा सा घर पोछी हूँ। और घर पोछने के बाद स्नान वगैरह हो गया है, पूजा वगैरह भी मैंने कर ली हूँ। और इसके बाद सादा खाना मैंने बना दिया है, भुजिया और रोटी, भिंडी का भुजिया और रोटी था, सिंपल सा खाना हमने बनाया था। तो और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने भी नाश्ता कर ली हूँ, क्योंकि कल से तो फास्ट था मेरा। तो सीधा इसी वक्त मैंने आज सुबह ही नाश्ता वगैरह की हूँ भुजिया रोटी का, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद मैंने सिर्फ एक केला और पानी ही पी थी, ज़्यादा खाने का नहीं मन कर किया था रात में। तो इसलिए इस वक्त मैंने भुजिया और रोटी बनाई। सबसे ज़्यादा ना फास्ट करती हूँ तो पानी ही प्यास लगती हूँ, पानी अगर मिल जाए ना तो फिर खाने की कोई मतलब उतनी जल्दी नहीं होती है। तो इसलिए सारा काम सुबह का आज तो मेरा सब कंप्लीट कर ली हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। जैसे कि था ना बर्तन रात में तो धोए नहीं थे सुबह सुबह, क्योंकि पहले भूख लगी थी तो पहले खाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने खाना 8 बजे तक कंप्लीट मैंने कर ली हूँ खाना। अब मैं जा रही हूँ, बहुत सारे काम है मुझे करना, सारे बर्तनों को धोना है, बहुत सारे कपड़े हैं उसे धोना है। तो आज तो स्नान करने के पहले कपड़े नहीं धोई हूँ, सोची कि पहले खा लूँगी, इसके बाद दिन भर तो काम ही करना है तो होता रहेगा, क्योंकि खाने के बाद जब ताकत हो जाएगी शरीर में ना, तो इसके बाद ही कुछ होगा मुझसे। तो एक दो घंटा आराम भी मैंने की हूँ, इसके बाद जा रही हूँ अब सारा काम स्टार्ट करने में अपना। तो घर का सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ, थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है घर, थोड़ा चौकी उंकी वगैरह सब हटाया है, जिसको भी सभी रखना है, सेट करना है सभी को, क्योंकि जान सकते हैं कि दो रूम है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई भी पर्व त्यौहार करती हूँ तो दिक्कत हो ही जाती है। तो घर में तो यही होता कि मतलब जितना भी साफ़ सफाई करो ना, फिर अगले दिन फिर उतना ही करो। मतलब हम महिलाओं को कभी भी चैन है ही नहीं साफ़ सुथरा करने से, क्योंकि आज साफ की कल उतना ही गंदा रहेगा। तो रोज़ की रोज़ सफाइयाँ तो ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए, तो ये चैन नहीं मिलता हम लोगों को, साफ़ सफाइयाँ तो करना ही पड़ता है हम लोगों को। और देखिए ये पंखा बंद की हूँ, बोलने के चक्कर में ना पंखा बंद कर दी हूँ, पसीना बह रहा है, बहुत गर्मी और आज धूप भी बहुत कड़ा धूप। ये देखिए कितना धूप है ना बाप, देखिए कितना धूप है। और मेरा घर देखिए जैसे तैसे भी पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ घर वगैरह थोड़ा सा पोछ दी थी, पूजा वगैरह कर ली थी बस, और बाकी सब अस्त व्यस्त मेरा सामान हुआ है, सभी को मुझे ठीक करना है। तो चलती हूँ, बहुत बात हो गई है, चलती हूँ सब साफ सुथरा करने। तो आ गई हूँ बाहर, और ये जितने कॉपी किताब जितने हैं जो अस्त व्यस्त हो रखा है, तो बच्चे हैं ना यहाँ पर ना, बड़ा वाला बच्चा पढ़ता है और उसी का यहाँ पर बुक वगैरह सब रहता है, तो थोड़ा इधर से उधर हो जाता है तो उसी को मैं सेट कर देती हूँ। और दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज ना सोना नहीं है, क्योंकि फास्ट जब भी हम लोग करते हैं ना तो उसके अगले दिन हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि फल नहीं मिलता उसका, तो इसलिए आज तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। और का रात में ना रात भर तो समझिए कि जगी ही थी, 1 बजे तक जगी ही थी, तो नींद तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर भी नहीं सोऊंगी। तो आज तो दिन भर छोटा मोटा जो भी काम रहेगा उसको कंप्लीट करते रहूँगी, यही करूँगी। और सारे जितने ये कपड़े हैं ना, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, सभी को धोना है मुझे, तो ये सारे को धोना है, इतने सारे। तो जानते हैं जब भी पर्व त्यौहार होता है ना तो उसके अगले दिन इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि पूछिए मत, तो सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और कपड़े ना, कपड़े बहुत हो जाते हैं घर में जब फास्ट करते हैं उस दिन का, तो सारे देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं, तो सारे को मैं धो लेती हूँ।
इसके बाद आप खाना भी बनाना है मुझे। तो मेहमान आ गए थे इसलिए सभी काम छोड़कर उनकी सेवा में लग गई थी, इसलिए पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि टाइम होने वाली है, बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सेवा भाव हमारे अंदर होना ही चाहिए। कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले उनको एक लोटा जल जरूर देना चाहिए, अगर आपके पास कुछ ना हो तो। कहते हैं ना कि मेहमान भगवान समान होते हैं। अगर हमारे द्वार पर कोई भी आए और उनको दुत्कार कर भगा दें या सेवा सत्कार ना करें, और ख़ास कर हम महिलाएं जो कि घर में ही रहते हैं और ये गलती करते ही रहते हैं, पता है ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती से हमारी लक्ष्मी माँ रूठ जाती है और वो हमारे घर से चली जाती हैं। कितने लोग होते हैं जो लक्ष्मी का मतलब पैसा समझते हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो लक्ष्मी यानी पैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर ये गलती करेंगे तो हमारे अंदर से सेवा भाव भक्ति भाव चला जाएगा, वो शांति है ना वो चला जाएगा। असली लक्ष्मी माँ बुराई देखकर नहीं आती, आपकी अच्छाई देखकर आती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर हो जाता है लेकिन अगले ही पल देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है। कितने लोग हैं जो ये सोच रखते भी हैं कि गरीब है तो उसके पास लक्ष्मी माँ होती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, माँ तो उसके घर में आती हैं और हमेशा ठहरी रहती हैं। जिनके घर में सेवा भाव प्रेम भाव और शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और जिस घर की महिला अपने प्यार से घर को साफ सुथरा रखती हैं और प्यार से भोजन पकाती हैं, अपने ही नहीं दूसरों को भी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटती, उन्हीं के घर में वो असली लक्ष्मी माँ आती भी हैं और हमेशा ठहरी रहती भी हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ वो असली लक्ष्मी माँ जो आती हैं साथ में सेवा भाव प्रेम भाव भक्ति भाव और शांति भाव लेकर घर में, जो हमेशा घर में शांति बना रहता है, वही असली लक्ष्मी माँ होती हैं, जो कि हमें पैसे से भी बड़ा और नाम से भी बड़ा बनाती है। और फ्रेंड्स, गलत तरीक़ों से पैसे कमाने से न सुख होती है और न सम्मान मिलता है और न वो ठहरती भी है। तो इसलिए ना हमें हमेशा सेवा भाव अपने अंदर रखना चाहिए, प्रेम भाव हमेशा अपने अंदर खुद के अंदर होनी ही चाहिए। इन चीज़ों होनी कोई भी हमारे द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ही नहीं भेजना चाहिए या फिर दुत्कारना कभी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं बर्तन को धो रही हूँ अच्छे से, तो मैंने पहले बर्तनों को ना, जो जूठी बर्तन था ना, उसे अच्छे से साफ़ सफाइयाँ कर ली थी और उसे हटा दी थी यहाँ पर। और इसके बाद सिंक तो बहुत ही अच्छे से साफ़ की हूँ क्योंकि यहाँ पर पीतल वाले बर्तन को मुझे धोना था ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए पीतल वाले सारे बर्तन जो थे कल के, जो उपयोग मैंने की थी तो धोए नहीं थे, तो उसी को मैं धो रही हूँ आज रगड़ रगड़। और ना सोची ना कि मेरे पास सरफ था, लेकिन सरफ तो मैंने धोई नहीं हूँ, और साबुन वगैरह भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो सोची ना कि मिट्टी से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिट्टी से धो रही हूँ पीतल वाले बर्तन। तो पता है मिट्टी बहुत शुद्ध है, बहुत ही शुद्ध होती है हमारे लिए मिट्टी। तो ये मिट्टी से अगर कोई भी बर्तन, मतलब पीतल वाले खास कर बर्तन, मिट्टी से धोए ना रगड़ रगड़ के, तो बहुत ही चमक जाता है। और कहते हैं मिट्टी बहुत शुद्ध होता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे कि जब भी बत्ती हम दिखाते वगैरह हैं, तो जब भी बत्ती दिखाते हैं अगले दिन शाम के शाम बत्ती या फिर सुबह दिखाते हैं, तो उस बत्ती मतलब उस बर्तन को ना मिट्टी से ही धोकर ही करनी चाहिए। बत्ती दिखा या फिर जल लोटा से चढ़ाते हैं ना, तो उस लोटे को मिट्टी से ही मांजना चाहिए, ना कि सरफ और साबुन से। मेरा यही मानना है कि मिट्टी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, तो इसलिए।
तो कोई ज़रूरी नहीं आपके पास कुछ भी उससे भी मान सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन मिट्टी ज़्यादा शुद्ध होता है, बस यही कहना है मुझे। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।